बरेली में 18 सितंबर को होगा व्यापारी महासम्मेलन। आपको बताते चलें, बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला व महानगर की संयुक्त बैठक प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल की जिला व महानगर युवा इकाई का टीम गठन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि आईजी रेंज बरेली रमेश शर्मा है। उन्होंने सभी नवयुक्त युवा पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पुलिस पूर्ण रूप से सभी व्यापारियों के साथ है व सभी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि या तो वो कम से कम हो या वो ऐसे जगह ऐसे व्यापार का हो जिससे हमारा जो दुकानदार है वो पीड़ित ना हो। और एक परेशानी दूसरी खड़ी हो रही है कि रिलायंस ने और जो और कंपनियां हैं, इन लोगों ने 24 घंटे का ये जो नए इन्होंने अपने स्टोर खोले हैं वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में परेशानी का कारण बनेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि बड़े स्टोर छोटे स्टोरों को खत्म करने की प्रयास में नहीं, हम अतिक्रमण के हम लोग खिलाफ हैं। किसी भी व्यापारी को अपना माल दूसरे व्यापारी के सामने नहीं लगाना चाहिए, अपने दुकान के आगे नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए कि आप कुछ ऐसा बताओ। हाँ, हम लोग सबसे ये निवेदन करेंगे सारे व्यापारियों से कि वो इस दिशा में कहीं ना कहीं निर्देशित किया जाएगा उनको कि ये कार्य इस प्रकार ना कर पाए। बरेली आप लोग आप देखा कुछ गलियों में ऐसे हैं कि नहीं, बरेली नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है इसको लेके भी एक नहीं, इसको कहा जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा कि इस तरीके से कार्य ना करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एक व्यापारिक संगठन है जो प्रदेश के 33 जिलों में कार्य करता है। इसका ये व्यापारी महासम्मेलन प्रदेश का निर्मल रिजॉर्ट में होने जा रहा है 18 सितंबर 2022 को रविवार को, और इस सम्मेलन में 33 जिलों से व्यापारी भाग लेंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय धर्मपाल सिंह जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार साहब, आदरणीय संतोष गंगवार जी, आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी, आदरणीय उमेश गौतम जी, आदरणीय रश्मि पटेल जी और विधायक जितने भी हैं, संजीव अग्रवाल जी, श्याम बिहारी लाल जी और जितने भी वो हैं, उसमें मेन जो मुद्दा है व्यापारियों को ये है कि एक साथ व्यापारियों की एक संख्या बल को प्रदर्शित करना है। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यापारियों के अपने कष्ट हैं, जो सरकार से जो राहत की हम अपेक्षा करते हैं, वो सारे मुद्दे उस पर डिस्कस होंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा व्यापारियों पर जो कोरोना के टाइम पर जो परेशानी उठानी पड़ी व्यापारियों को, उसको सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो हमारे ऑनलाइन व्यापार से क्षति पहुँचाई है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की बात की जाएगी, क्योंकि हम देखा गया है कि ऑनलाइन व्यापार वाले बगैर GST के भी माल भेज देते हैं और व्यापारी को GST के सारे कार्यक्रम पूरे करने पड़ते हैं, सारी प्रणालियों को दुरुस्त करना पड़ता है, तब जाकर वो कार्य पूरा होता है। आज जो GST का विभाग है उसमें प्रथम साल में जब 2016-17 में जो GST लगी थी उसके जो वो है क्या कहते हैं उसको, उसकी वो कर रहे हैं कम नहीं, उसके ऊपर GST के विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह गई थी प्रथम साल में। इसलिए अपेक्षा है सरकार से और उसको सब गलतियों को नर्मता से लिया जाए, उनको अनदेखा किया जाए और व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। क्या लगता है कि ऑनलाइन बाजार है